पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े डंपर में तेज गति से आ रही रोडवेज की बस जा पड़ी, जिसमें एक बस चालक की मौत हो गई जबकि करीब 21 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत नाजुक बनी है। मरने वालों की शिनाख्त शामली के एलम गांव के रहने वाले संजीव के रूप में हुई। दरअसल बस शाहदरा से शामली जा रही थी और यह हादसा किशनपुर बराल गांव में नजदीक हुआ। बस के डंपर से टक्कर के दौरान तेज धमाके जैसी आवाज आई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके की तरफ दौड़ पड़े। बस में चीख पुकार मच गई थी, घायलों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। यूपी 17-55-22 ये बस है और डंपर जो है वो यूपी 17-86 से टक्कर हो गई है। इसमें जो ये बस जो है जा रही थी बड़ौत से शामली की तरफ जा रही थी, इसका एक्सीडेंट हुआ है और इसमें जो 21 लोग घायल हुए हैं, इनमें 7 लोग जो हैं वो सीरियस हैं, 3 जो सीरियस पेशेंट हैं वो आस्था हॉस्पिटल बड़ौत में हैं और 4 मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं।